वेलकम बैक। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इस टॉपिक का नाम है बर्थ ऑफ वेइमार रिपब्लिक। दोस्तों, जब भी बात नाज़िज़्म या हिटलर की आती है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच हुआ। जैसे कि हम सब ने रशियन रेवोल्यूशन के चैप्टर में समझा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स ने हिस्सा लिया। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की आते हैं और एलाइड पावर्स में रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस आते हैं। 1914 से 1916 के बीच रशिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी से बहुत ही बुरी तरीके से हार गया। इस हार की वजह से रशियन सोसाइटी में बहुत से बुरे बदलाव आने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, 1917 में यूनाइटेड स्टेट ने अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया और इसकी वजह से अलाइड पावर्स की सिचुएशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई और सभी अलाइड पावर्स ने मिलकर सेंट्रल पावर्स को हरा दिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1918 में जर्मनी अलाइड पावर्स से हार गया। अब दोस्तों, हम सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर इस हार के बाद जर्मनी में कौन कौन से बदलाव आने लगे। इसे जानने के लिए आज का टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय विलियम सेकेंड जर्मनी के एम्परर थे। जब 1918 में जर्मनी अलाइड पावर्स से हार गया तो विलियम सेकेंड ने भी अपना थ्रोन छोड़ दिया और इसीलिए पार्लियामेंट्री पार्टीज को डेमोक्रेटिक रूल एस्टैब्लिश करने का मौका मिला। वेइमार में एक मीटिंग बुलाई गई। वेइमार जर्मनी की एक सिटी का नाम है। इस मीटिंग में नेशनल असेंबली की मदद से एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब जर्मन पार्लियामेंट ने डेप्यूटीज को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें वुमेन वोट्स को पूरी तरह से कंसीडर किया गया। जानते हैं दोस्तों, जर्मन पार्लियामेंट को हम लोग राइस्टैग के नाम से भी जानते हैं। जर्मनी के लोग कभी भी वेइमार रिपब्लिक को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद अलाइड पावर्स के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की वर्साइल में। दोस्तों, इस ट्रीटी का नाम पीस ट्रीटी है, लेकिन इस ट्रीटी ने जर्मनी को बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी को बहुत कुछ खोना पड़ा, जैसे कि नंबर 1, बहुत सारी ओवरसीज कॉलोनीज, नंबर 2, अ टेंथ ऑफ पॉपुलेशन, नंबर 3, 13% टेरिटरीज और नंबर 4, जर्मनी को 75% आयरन, 27% कोल देना पड़ा फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया को। और जानते हैं दोस्तों, जर्मनी को और वीक करने के लिए एलाइड पावर्स ने जर्मनी के काफी सारे एरियाज को डीमिलिटराइज्ड भी कर दिया। 1920 में एलाइड पावर्स ने मिलकर राइनलैंड, जो कि जर्मनी का सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है, उस पर भी अपना कंट्रोल जमा लिया। बोरगिल्ड क्लॉज के मुताबिक जर्मनी को एलाइड पावर्स को 6 बिलियन पाउंड भी देने पड़े। इन्हीं सब रीजंस की वजह से जर्मन्स कभी भी वेइमार रिपब्लिक को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, इस मैप की मदद से आप सभी जान सकते हैं कि पीस ट्रीटी साइन करने के बाद जर्मनी से कौन कौन सी टेरिटरीज छीन ली गई और किन किन एरियाज को डीमिलिटराइज कर दिया गया। डिस्कस करते हैं दी इफेक्ट्स ऑफ वॉर के बारे में। जानते हैं दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली भी बहुत से बुरे बदलाव आने लगे। यूरोप कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर से कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर में बदल गया। यानी कि पहले यूरोप दूसरों को लोन प्रोवाइड करता था, लेकिन अब खुद के सर्वाइवल के लिए यूरोप को दूसरों से लोन लेना पड़ रहा था। सबसे ज्यादा बुरा बदलाव आया वेइमार रिपब्लिक में, क्योंकि वॉर गिल्ट का सामना वेइमार रिपब्लिक को ही करना पड़ता। अगर वेइमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स के बारे में बात करें, यानी कि कैथोलिक्स, सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स, तो इन सभी को कंजर्वेटर्स पब्लिकली नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बुलाने लगे। सोच कर देखिए,
इन सभी लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाने लगा क्रिमिनल्स के नाम से। सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोल्जर्स को सिविलियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। मीडिया और पॉलिटिशियंस की मदद से अब यूरोप में सभी लोगों को सोल्जर्स की ग्लोरिफाइड लाइफ के बारे में बताया जाता, लेकिन असलियत में सोल्जर्स की लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। सभी सोल्जर्स को गैस चैम्बर्स, दुश्मनों की गोलियां और अपने दोस्तों को रोज मरते हुए देखना पड़ता था। डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। दोस्तों, रशिया में हुए बोल्शेविक रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर बर्लिन में स्पार्टाकस लीग के नाम से रिवॉल्ट शुरू हुआ, जिसमें वर्कर्स और सेलर्स ने अपनी सोवियट्स बना ली। इन सभी ने सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की बात की। दूसरी तरफ कैथोलिक, सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स ने मिलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की बात की। इसी वजह से वेमार रिपब्लिक और स्पार्टाकस लीग के बीच रिवॉल्ट शुरू हो गया। वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था फ्री कॉर्प्स, की मदद से वेमार रिपब्लिक ने स्पार्टाकस लीग को हरा दिया। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ ही समय में स्पार्टाकस लीग ने खुद को जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी डिक्लेयर कर दिया। अब डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जर्मनी में फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। जर्मनी ने एलाइड पावर्स को वॉर कॉम्पेंसेशन गोल्ड की फॉर्म में देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से थोड़े ही समय में जर्मनी के सारे गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए। और इसी वजह से 1923 में जर्मनी ने एलाइड पावर्स को वॉर कॉम्पेंसेशन पे करने से मना कर दिया। रिजल्ट ये था दोस्तों कि फ्रांस ने रूर, जो कि जर्मनी का सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है, उस पर अपना कंट्रोल जमा लिया। इस सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए जर्मनी ने बहुत सारा पेपर मनी प्रिंट किया, और इसकी वजह से जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई, जिसमें प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए और जर्मनी की करेंसी, जिसका नाम था मार्क, उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो गई। दिसंबर तक आते आते यूएस डॉलर 9,88,00,000 मार्क के इक्वल होने लगा, और इसीलिए दोस्तों जर्मनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। इस सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका ने इंटरवीन किया। एक डॉव्स प्लान बनाया गया, जिसमें वॉर कॉम्पेंसेशन की टर्म्स को इजी किया गया, ताकि जर्मनी पर से फाइनेंशियल बर्डन हटा सके। डिस्कस करते हैं द इयर्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, डॉव्स प्लान की मदद से 1924 से 1928 के बीच जर्मनी में स्टेबिलिटी की सिचुएशन रही। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी रिकवर करना शुरू कर दिया, लेकिन ये सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दिए हुए शॉर्ट टर्म लोन्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। 1929 में कुछ ऐसा हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शेयर मार्केट, क्रैश हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने डर कर अपने शेयर्स बेच दिए और द ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई। द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 50% नेशनल इनकम कम हो गई, एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा कम हो गए, और यहाँ तक कि बहुत सारी फैक्ट्रीज भी बंद होने लगी। द ग्रेट डिप्रेशन का असर सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला। जर्मनी की अगर बात करें तो 40% प्रोडक्शन कम हो गई, और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज का सहारा लेना शुरू कर दिया। पॉलिटिकली बात करते हैं वेमार रिपब्लिक के बारे में। दोस्तों, वेमार रिपब्लिक पॉलिटिकली बहुत ही वीक था। इसके मेनली 3 रीजंस थे। नंबर 1, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी में लीड करना इम्पॉसिबल था। नंबर 2, आर्टिकल 48 ने प्रेसिडेंट को बहुत सी पावर्स दी थी, जैसे कि इमरजेंसी डिक्लेयर करना और सिविल राइट्स को सस्पेंड करना। नंबर 3, वेमार रिपब्लिक में 20 कैबिनेट्स बन चुके थे ऑन एन एवरेज 239 डेज के लिए, लेकिन फिर भी डिप्रेशन की सिचुएशन हैंडल ही नहीं हो पा रही थी। इसीलिए अब जर्मन्स का
डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से भरोसा उठने लगा था। इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिटलर्स राइज टू पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।